हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल मन पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम जानेंगे इस वीडियो में एमएस वर्ड में हम डिफरेंट शेप्स कैसे बनाएंगे एंड शेप को आउटलाइन कैसे डालेंगे, हाउ टू फिल कलर इन शेप, शेप में हम कलर कैसे फिल करेंगे, हाउ टू राइट इन साइड शेप, शेप के अंदर हम कैसे लिखेंगे एंड हाउ टू शैडो इन शेप, शेप में हम शैडो कैसे डालेंगे एंड हाउ टू मेक 3D शेप एंड 3D शेप हम कैसे बनाएंगे। तो ये क्लास 3rd के लिए ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर यहाँ से शेप पर जाएंगे। शेप में यहाँ पे डिफरेंट रिसेंटली यूज शेप यहाँ पे आ जाता है। लाइन से रिलेटेड शेप है, रेक्टेंगल से रिलेटेड अलग अलग शेप हो जाते हैं, फिर कुछ ये बेसिक शेप हो जाते हैं, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर शेप, फ्लो आउट्स एंड न्यू ड्राइंग कैनवास भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी करना है तो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाते हैं और एक यहाँ पर हम बेसिक शेप ले लेते हैं। चलिए बेसिक शेप हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप बेसिक शेप लेते हैं तो यहाँ पर ये ड्राइंग टूल्स आ जाती है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये ड्राइंग टूल्स ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसके ऑप्शन ये पूरे आ जाते हैं। ये डॉट डॉट हमारा ये सेलेक्टेड है, अगर आपको इसको हटाते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने बैक स्पेस की से इसको हटा लिया तो ये ऊपर में हमारा ड्राइंग टूल्स नहीं शो हो रहा है। ड्राइंग टूल्स हमारा शेप को ऐड करने के साथ ही शो होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने शेप पे क्लिक किया, अब माउस की सहायता से इसको हम ड्रैग करेंगे। जैसे ही हमने इस शेप को ड्रैग किया है यहाँ से ड्राइंग टूल्स खुल जाता है। ड्राइंग टूल्स में ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इस शेप में आप कलर अलग अलग तरह का यहाँ से फिल कर सकते हैं, जो भी शेप आप फिल करोगे उस तरह का ये कलर यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, या फिर आप ब्लैंक करना चाहते हैं तो इस तरह आउटलाइन देके आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे शेप फिल कलर आ जाता है जिससे आप अलग अलग शेप यहाँ पे अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। शेप फिल करने के बाद अगर आपको अलग से कलर देना है यहाँ पे तो मोर फिल कलर भी आपको मिल जाता है, जिसमें दो ऑप्शन हो जाते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। स्टैंडर्ड में जो भी आप शेप लेते हैं वो यहाँ पर न्यू कलर बनकर आ जाता है, फिर इसको हम ओके करेंगे तो ये कलर इसमें फिल हो जाएगा। इसी प्रकार वापस हम शेप फिल पर जा रहे हैं और यहाँ पर मोर फिल कलर पर जाकर कस्टम पे जाएंगे। कस्टम में जो भी पर्टिकुलर एक शेप आप लेते हैं उस शेप का आप डार्क या लाइट शेप बना सकते हैं। इस एरो को हम पकड़ कर धीरे धीरे माउस की सहायता से ऊपर और नीचे ड्रैग करें। जैसे जैसे हम ड्रैग करें उस तरह उसी शेप में कलर डार्क या लाइट हो रहा है। जैसे इसमें ग्रीन में हमको डार्क करना है, ये न्यू शेप यहाँ पर बन जाता है और करेंट में पुराना शेप जो हमारा करेंट में शेप है वो यहाँ पर दिखता है और न्यू कलर जो आपने यहाँ पे बनाया वो यहाँ पर न्यू में दिखता। ओके करेंगे तो हमारा ये न्यू कलर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू फिल कलर इन शेप, जो हमने कलर को फिल कैसे कर सकते हैं हमने बता दिया। यहाँ से वापस आप दूसरे कलर भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउ टू राइट इन साइड शेप। शेप के अंदर लिखने के लिए हमें यहाँ शेप के अंदर माउस को रखना है, फिर माउस को राइट क्लिक करके क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कर्सर आ जाती है। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्लास 3rd। उसके बाद इसको माउस की सहायता से ड्रैग करके हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और होम पर जाकर यहाँ से आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। जितनी बड़ी साइज बढ़ाना है, साइज है, स्टाइल है, कलर है, बोल्ड है, जो भी आप भरना करना चाहे यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट हो जाता है नेक्स्ट हाउ टू शैडो इन शेप। शेप में हम शैडो कैसे डालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा सिलेक्शन इस शेप से हट गया है तो ऊपर में हमारा ड्राइंग टूल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम शेप पर क्लिक करते हैं ये ड्राइंग टूल्स ओपन हो जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। इसको 3D शेप देने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं शेप इफेक्ट पर। यहाँ पर शैडो आ जाता है, जिस तरह का आपको शैडो देना है, इस तरह का आगे यहाँ पर इस तरह देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, जैसे हमने नीचे दिया तो इस तरह का शैडो आ जाता है। फिर से चलिए देखते हैं शेप इफेक्ट एंड शैडो ऑप्शन पे जाके इस तरह के शैडो आ जाते हैं। अगर इधर हमको लेना है
तो अपर लेफ्ट ले सकते हैं, इधर अगर लेना है तो अपर राइट, और ये हमारा बिलो में आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम ले रहे हैं, जैसे और नीचे अगर हम इसे आते हैं, यहाँ ऑप्शन और दिख जाते हैं मुझे, ये हो जाता है लोअर लेफ्ट और ये हो जाता है आपका लोअर राइट। इस तरह शेडो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस शेप पर शेडो आ जाता है। अब हम जानेंगे कि इसी शेप को हम 3D शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर 3D रोटेशन दिया जाता है एंड 3C एज भी दिया जा रहता है। कितना आप चौड़ा लेंगे उस हिसाब से आपका 3D शेप आ जाता है। ये आपका 3D शेप है। इस तरह से आप इस शेप में 9 3D ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जितना आपको लेना है वहाँ पे आप ले सकते हैं। 3D फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये आपका 3D शेप बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 3D शेप हमको लेना है तो इस तरह का ये 3D शेप आपका बन जाएगा। वापस यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे डिफरेंट शेप हम ले सकते हैं। वापस हम यहाँ पे जैसे ही ड्राइंग टूल्स खोलते हैं तो यहाँ से और भी वापस शेप मिल जाते हैं। यहाँ से आप अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं। वापस यहाँ पे क्लिक करके दूसरे शेप आपको ड्रॉ करना है, जैसे स्टार के शेप ड्रॉ करना है तो स्टार के शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, जैसे ही हम इंसर्ट पर शेप लेते हैं तो कुछ शेप में हमें यह येलो डॉट मिलता है, तो येलो डॉट से आप इसको पुश करते हुए अलग अलग शेप या राउंड आप बना सकते हैं, इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। या फ्लावर्स आप बना सकते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए हमने ये शेप लिया है, येलो शेप आ रहा है, तो फ्लावर्स के लिए इसको थोड़ा सा और ऐसे ड्रैग आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी कलर देना चाहें कलर आप दे सकते हैं। ये आउटलाइन है शेप के चारों तरफ, तो यहाँ से शेप आउटलाइन ऑप्शन पर हम जाएंगे और यहाँ से इसकी विड्थ जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार ये लो को आगे इतना चौड़ा ये विड्थ अलग अलग शेप देके फ्लावर बनाना है तो हम यहाँ से फ्लावर बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हर शेप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये ग्रीन कलर की डॉट मिलेगी, जिससे आप इसको रोटेट करवा सकते हो। जैसे इसको पकड़ के इस तरह आप रोटेट करवा सकते हो, इस तरह का आपका डबल फ्लावर बन जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिए और फिर इसको आप ऐसे ड्रैग करके बना सकते हो फ्लावर, इस तरह दोनों सब शेप को ऐड करके हमने बना लिया है। और शिफ्ट की सहायता से इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम ग्रुप में ले लेते हैं तो ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो जाता है जो साथ साथ आपका ड्रैग होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।